हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी नॉलेज पर। आज 19 नवंबर 2018 है। 19 नवंबर 2018 को करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर एक से। आज का क्वेश्चन नंबर एक है फ्रेंड्स, एक बात बता दूँ, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज प्राप्त होती है तो प्लीज़, अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। आज का क्वेश्चन नंबर एक है, ए आर रहमान की जीवनी नोट्स ऑफ ए ड्रीम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कृष्ण त्रिलोक, ऑप्शन बी अनुपम खेर, ऑप्शन सी शशि थरूर, ऑप्शन डी आलोक कुमार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण त्रिलोक। अभी हाल ही में इस पुस्तक के ए आर रहमान के जीवन का, संपूर्ण जीवन का वर्णन किया गया है। इसमें उनके व्यक्तिगत जीवन से लेकर व्यावसायिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया गया है। कृष्ण त्रिलोक इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है, अमेरिका के एनबीईआर के अनुसार भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन ए बंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो भी जान लेते हैं पहले एनबीईआर होता है क्या है। ये है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स रिसर्च। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने मोबिलिटी एंड कंजक्शन इन अर्बन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत का सबसे अधिक घनत्व वाला शहर बेंगलुरु को स्थान मिला है, सेकंड प्लेस मिली है मुंबई को, थर्ड प्लेस मिली है दिल्ली को, फोर्थ प्लेस मिली है कोलकाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 2019 के आम चुनाव के लिए युवाओं में रुचि लाने के लिए ट्विटर ने कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शन ए है पावर ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी जागो इंडिया, ऑप्शन सी पहल इंडिया, ऑप्शन सी सशक्त इंडिया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पावर ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभी हाल ही में 2019 के आम चुनाव के लिए युवाओं में रुचि लाने के लिए ट्विटर ने पावर ऑफ 18 की पहल शुरू की है। इसका मकसद है 2019 के आम चुनाव के लिए युवाओं में रुचि लाना, यानी युवाओं को जागरूकता फैलाने के लिए, आम चुनाव में जोड़ने के लिए पावर ऑफ 18 अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य युवाओं के विचार विमर्श के लिए प्रेरित करना, ठीक है। इसके ट्विटर के सीईओ जैक डार्सी ने आईआईटी दिल्ली में इस योजना को लॉन्च किया, पावर ऑफ 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है, हाल ही में गूगल क्लाउड ऑफ सीओई किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो इसमें ऑप्शन ए है शुभम कुमार, ऑप्शन बी थॉमस कुरियन, ऑप्शन सी जैनी खेत, ऑप्शन डी अंबुज कुमार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा थॉमस कुरियन को। अभी हाल ही में गूगल क्लाउड का सीओई नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं गूगल की। गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। अब गूगल की संस्थापक कौन है? वो है लैरी पेज। और गूगल के सीईओ कौन है वर्तमान में? सुंदर पिचाई, वो जो एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय कुमार, ऑप्शन बी अजय कुमार, ऑप्शन सी है राजीव कुमार, ऑप्शन डी रवि कुमार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अजय भूषण को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने ली? ऑप्शन ए इब्राहिम मोहम्मद सलेह, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी नसीम जय, ऑप्शन डी इमरान खान। तो अभी बता दें, हाल ही में यानी 16 नवंबर को मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद ने शपथ ली है राष्ट्रपति के रूप में। अब बात करते हैं मालदीव की। मालदीव की कैपिटल कहाँ है? वो है माली। मालदीव की करेंसी क्या है? वो है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजा तूफान ने हाल ही में किस शहर पर भारी तबाही मचाई है? अभी हाल ही में गाजा तूफान ने कहाँ पर भारी तबाही मचाई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी असम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अभी हाल ही में गाजा तूफान ने तमिलनाडु में एक भारी तबाही मचाई थी, इस काफ़ी चर्चा में रहा है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को
और इसकी कैपिटल है चेन्नई। अब तमिलनाडु के सीएम कौन है? ई के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? बनवारीलाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के गणतंत्र दिवस 2019 के समारोह में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य अतिथि कौन होंगे? राइट आंसर हो जाएगा साइरिल रामफोसा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति इस बार भारत के गणतंत्र दिवस 2019 के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया का युवा एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? वो हिमा दास को। अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया का युवा एम्बेसडर हिमा दास को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया संजय कुमार सेठ को। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार को। अभी बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 का आयोजन किस शहर में किया गया? अभी हाल ही में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2018 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वें, क्वेश्चन नंबर 12 है, 13वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन सा देश है? सिंगापुर को अभी 13वें एशिया शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स आज 19 नवंबर 2018 को करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको कवर करने की कोशिश की। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।